योलो। कल्याण जी भाई, हाँ आनंद जी भाई, हाँ मैं खो गया था, कहाँ? एकदम खो गया। इधर पल पल, हाँ पल पल, पल पल, हाँ 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 पल पल, दिल के पास पल पल, दिल के पास। ये अद्भुत कलाकार न केवल गायक, संगीतकार, फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट भी की हैं, कलाकार भी रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत कलाकार को अब क्या कहा जाए, उनको नमस्कार करूंगा। मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है, और साथ साथ दूरदर्शन टीवी का उपकार है। जो उसकी रेजोनेंस थी वो किसी के नहीं, आज तक नहीं। खिलते हैं गुल यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किशोर दा के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जितने भी एक्टर्स हैं उनका क्या कहना है किशोर दा के बारे में। आइए सबसे पहले दिखाते हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी का क्या कहना है। किशोर दा के बारे में कहना या चर्चा करना बहुत वक्त लेगा, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहना है वो इतना ज्यादा है कि समय समय बहुत छोटा है। बहरहाल किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे। आइए अब दिखाते हैं शाहरुख खान का क्या कहना है। किशोर दा, मिस्टर किशोर कुमार, जहाँ तक मैं अलाउड हूँ उनके बारे में, आई थिंक हमारे जैसे आर्टिस्ट जो है उनके बारे में उनको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थी, इतने टैलेंटेड इंसान थे। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में उनसे ज़्यादा कंप्लीट आर्टिस्ट शायद ही कोई हो। हम छोटे थे, उनके गाने सुनकर, उनकी फिल्में देखकर, उनके एंटिक्स देखकर, उनके बारे में कहानियाँ सुनकर, जो भी उनके बारे में है वो वन वर्ड ये था कि वो एंटरटेनिंग था। किशोर दा का या कोई गीत आ रहा हो रेडियो पे, अब भी कोई फिल्म आ रही हो, कोई डांस आ रहा हो, कोई पागलपन आ रहा हो, तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि वो एंटरटेनिंग ज़रूर होगा, चाहे कुछ हो या ना हो। चलिए अब दिखाते हैं प्राण का क्या कहना है। सच में उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अगर सीरियस सीन भी हो तो वो हंसाते ही रहते, तो उनको कह कह कर, खुशामद कर करके, भाई ये सीरियस सीन है, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ। पहली झलक में एक सीन था कि जहां मेरी उनकी फाइट होती, तो मैंने उनके पेट में मुक्का मारना, तो जैसे मैं उनके मुक्का मारूं बजाय इसके कि वो उफ करें, वो हंसना शुरू कर दी, तो उसके समझिए कि 12 या 14 अटैक हो गए और वो नहीं मानी। तो जैसे ही नेक्स्ट शॉट शुरू हुआ, बजाय इसके कि मैं फिल्मी मुक्का मारूं, मैंने एक असली मुक्का उनके पेट में जो दाड़ से दिया, तो उनकी हालत भी कल मर गया। मैंने कहा यही चाहिए हमें पिक्चर। अब मेरे जैसा सीरियस आदमी जो सीरियस विलन के रोल करता था, उस आदमी ने मुझे भी बिल्कुल उस पिक्चर में अपने जैसा बना दिया। आइए अब दिखाते हैं मुकेश खन्ना का क्या कहना है। मुकेश खन्ना और किशोर दा, मैं एक बात से कहना चाहूंगा कि राजेश खन्ना का 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 उत्थान जो हुआ, उस वक्त किशोर दा थोड़े से पीछे चले गए, तो किशोर दा का कमबैक हुआ राजेश खन्ना के साथ। ये हर युग में होता है। दिलीप साहब को भी आवाज दी थी तलत महमूद ने, और राज कपूर को भी आवाज दी थी मुकेश ने, लेकिन मुकेश ने दिलीप साहब को भी आवाज दी थी। तो एक नया, एक जैसे कि हम कहते हैं कभी कभी अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद, यश चोपड़ा या प्रकाश मेहरा की जोड़ी बनती है तो कोई चीज़ बनती है, तो एक टाइम होता है।
तो दोनों का एक अच्छा संगम हुआ था, किशोर दा और राजेश खन्ना। आइए अब दिखाते हैं सुनील दत्त जी का क्या कहना है। मैंने देखा कि इतना अच्छा टैलेंट जो है, इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा एंटरटेन करने वाला, ये अगर स्टेज पे आ जाए तो ये तो सोने पे सुहागे का काम है। तो हम चल पड़े। पहला शो हमारा जो था वो था ये गैंगटॉक और नथुला के बीच में। तो वहां चारों तरफ बर्फ ही थी, तो बर्फ के ऊपर जवान जो थे बैठे हुए थे, बर्फ के ऊपर को पिछले एक डेढ़ घंटे से बैठे हुए थे क्योंकि हमारा इंतजार कर रहे थे। और स्टेज उन्होंने लकड़ी की स्टेज बनाई हुई थी और बिल्कुल ओपन स्टेज थी, आपको वहां आके बस खड़े होके माइक था, वहां गाना था और वो सब बर्फ के ऊपर बैठे हुए थे सारे। तो किशोरदा ने जब देखा तो कहता है भाई एक तो बर्फ से, ये ठंडी से मेरी जान निकल रही है और अब मैं कैसे बोलूंगा, मुझे कैसे गाना गाऊंगा। तो मुझे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम माइक जो है बीच में रखो, तुम मेरे आगे रहो, तुम बीच में माइक होगा उसके पीछे मैं खड़ा होऊंगा। तो वही गाना गाते हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा बुखड़ा रहता है। तो मैंने चलो अच्छा ठीक है भाई, किसी तरह तुम स्टेज पे गाओ। तो वो गाना जब शुरू हुआ और मैंने अपनी लिप मूवमेंट दे रहा हूँ तो मैंने पीछे देखा कि हमारा गुरु जो है अभी ट्रांस में आ गया है। गाना गाते गाते आखिर कलाकार तो कलाकार ही होते हैं, तो वो ट्रांस में आके उन्हें आंखें बंद की। जब उन्हें आंखें बंद की तो मैं वहां से खिसक गया। तो वो बिल्कुल ऑडियंस के सामने, अब जब ऑडियंस ने किशोरदा को देखा तो तालियां बजनी शुरू हो गई। तालियां ऐसी बजी कि जब उनकी आंख, उन्होंने आंख खोली तो देखा कि सुनील दत्त नहीं है वहां। तो पहले तो घबराए मगर वो तालियों का असर इतना ज्यादा हुआ कि फिर वो शुरू हो गए। चलिए अब दिखाते हैं ऋषि कपूर का क्या कहना है। तो पंचम ने एक दो पिक्चरों में शरेंद्र सिंह को जरूर लिया, लेकिन हुआ ये कि पंचम ने बोला कि आज ये लड़का जा आ रहा है स्टबल लक्ष्मीकांत पैरेलल का और मेरी पहली पिक्चर है इसके साथ, तो मुझे भी एक गाना ऐसा देना इसे जो कि जो याद रहे। अच्छा ये इंसिडेंट मुझे पंचम ने खुद बताया। तो पंचम ने कहा कि ये गाना शायद शेरू नहीं ले सकेगा, ये तो किशोरदा को ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, किशोरदा इतने सीनियर आदमी है, वो तो देव साहब के प्लेबैक आवाज है, वो तो देव साहब मेरे फादर की उम्र के, तो मैं उनकी आवाज में कैसे गा सकता हूं। तो उन्होंने कहा भी देखो ये गाना सिर्फ अगर कोई गाएगा तो किशोर कुमार साहब ही गाएंगे, नहीं तो और कोई नहीं गाएगा। खैर आई हैव टू गिव इन एंड मैंने कहा जरूर। और वो गाना कौन सा, वो जो पहला गाना मेरी जिंदगी का किशोर कुमार साहब की आवाज में था, वो गाना था जहरीला इंसान का, वो गाना था ओ हंसनी। मेरी हंसनी चलिया, हाँ चलिया। ये समझ लीजिए कि मेरा जन्म आराधना से हुआ और जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूं, तो बोले एक नया लड़का है और मेहनती है, हुनर है। बोले नहीं पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूंगा। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे, ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक जिस्म हो गए, या दो जिस्म एक जान हो गए। सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिले एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। किशोर कुमार साहब की आज जन्मतिथि है। किशोर कुमार साहब ने हमारे जीवन में सुर तो भरा ही भरा, कितने भी सुरे हों लेकिन सुर जरूर भरा और रंग भी भरे। हर मूड पर उन्होंने हमारे को साथ आइडेंटिफिकेशन कराया, चाहे वो खुशी का मूड हो, चाहे वो रोमांटिक मूड हो, चाहे वो तकलीफ का मूड हो, चाहे बुरे वक्त का मूड हो, उन्होंने हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलकर हमारा सफर जो था चलने का जिंदगी का वो थोड़ा आसान कर दिया। जब कभी किशोर गाता था और मन से गाता था, जो उसकी रेजोनेंस थी किसी के नहीं, आज तक नहीं देखी मैंने।
डीप आवाज में जब गाता था। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। किशोर साहब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे एक्टर थे, एक ऐसे गायक थे जिन्होंने फिल्मों में एक तरह की क्रांति लाई थी। सर आप लोगों को तो मुझे ढाल देनी चाहिए, मेरा सबसे छोटा भाई था, बहुत प्यारा भाई था, मैं तो गोद में खिलाया मैंने, मेरे से 18-19 साल छोटा, बाप जैसा था, मेरे बेटा जैसा मैं सोचा, लेकिन ये अजीब बात है कि छोटे को सबसे पहले जाना पड़ा। एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में से चली गई है जिसका फॉलोअप कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। वो दुनिया को हंसाते थे, खुश करते थे, और उन्होंने अपनी एक ऐसी जगह बना दी थी जो आने वाले बहुत सालों तक शायद भरी नहीं जा सकेगी। सारे संगीतकार, संगीत का इतिहास यह है कि इसमें 7 स्वर होते हैं। मैं जब भी किशोर जी से मिलता था मैंने कहा कि आपने ये बात गलत साबित कर दी है कि 7 स्वर होते हैं, आपके गले में कितने स्वर हैं ये कोई नहीं जान सकता। मुकेश जी और रफी साहब के चले जाने के बाद एक बहुत बड़ा साया हमारे सर पर था किशोरदा का, जो वो भी आज हमसे छिन गया। जैसे कि एक बाप के सर पर बच्चे का साया होता है तो वो जिस तरह बेफिक्र रहा करते हैं, उछल कूद करते हैं, शरारते करते हैं, वैसे हमारा इस संगीत की दुनिया में आलम था। इतना ही कहना चाहूँगा कि संगीत क्षेत्र में 3 महान कलाकार जो आर्टिस्ट और एक्टरों के लिए उनकी आत्माएं थी, मुकेश चंद जी, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार, ये आखिरी स्तंभ भी आज चला गया हमने से। किशोर रहे या न रहे वो तो सदा ही लोगों के दिलों में रहेगा। अपना तो बना कर देखो होती है मोहब्बत क्या। The man, the wonderful, wonderful man, Kishore Kumar. Yes, he never sang for me. In those days, we worked together. We are very good friends. के नाम से एक अवार्ड दिया गया धर्म जी को और मुझे एक शॉल पहनाया गया और वहाँ पे मेरे पिताजी के नाम से नाइट हुआ, किशोर कुमार नाइट हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करना मत भूलेगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्तों कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि अगला रिएक्शन आप किस सिंगर का देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।